पंचायत चुनाव में सपा और प्रसपा के गठबंधन पर राजनीति तेज। उत्तर प्रदेश के इटावा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज होने के लिए सपा पीएससी में आपसी समझौता हो गया हो, लेकिन यह बात किसी को रास नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन को मौकापरस्त गठबंधन करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इटावा के जिला अध्यक्ष पद पर उनकी पार्टी का ही कब्जा होगा। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ऐसा मानकर चलती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद इटावा में नहीं है और जिला पंचायत अध्यक्ष तो दूर 8 ब्लॉकों में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं कब्जा नहीं कर पाएगी। 1987 से इटावा की जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर मुलायम परिवार और समाजवादी पार्टी का कब्जा बना हुआ है। इस सीट पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने की अपनी प्रभावी रणनीति बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय ढाकड़े कहते हैं कि संगठन स्तर पर उनको भरोसा है कि भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष सीट के साथ साथ सभी 8 ब्लॉकों पर काबिज होगी। हमारे इटावा जनपद में 24 जिला पंचायत के वार्ड हैं, 8 ब्लॉक हैं जो कि सामान्य भी हैं, एससी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में प्रत्येक वर्ग में, चाहे एससी हो, चाहे बीसी हो, ओबीसी हो, सब बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से एससी भी कार्यकर्ता हमारे जीत के आएंगे, ओबीसी कार्यकर्ता भी जीत के आएंगे और निश्चित हम ब्लॉकों पर भी हमारा ब्लॉक प्रमुख बनेंगे और जिला पंचायत का अध्यक्ष निश्चित बनेगा हमारा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा और निश्चित भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति के तहत प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी अपने भतीजे और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव को एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने के लिए लामबद्ध हो गए। शिवपाल सिंह यादव ने खुलेआम इस बात का ऐलान किया है कि वह चाहते हैं कि अभिषेक यादव एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज हो। हम चाहते हैं कि इसमें फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बेटे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव का कहना है कि अभिषेक यादव की बेहतर कार्यशैली को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया है कि इस दफा अभिषेक यादव को ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कार्य करना है और इसी दृष्टि से उन्होंने स्थानीय और इलाकाई लोगों से अपील भी की हुई है। देखिए, जिन जिन सीटों पे समर्थन हुआ उन पे समर्थन हुआ है, जिन पे नहीं हुआ है उन पे नहीं हुआ है। राजनीति में आप भी जानते हैं कई चीज़ों पे विचार मिलते हैं, कई चीज़ों पे नहीं होता है, तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुआ है। लेकिन उद्देश्य मैं मानता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है, उद्देश्य हमारा एक ही है कि अभिषेक यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की हम लोगों ने पूरा मुहिम छेड़ी है। इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर कब्जे को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत रणनीति बनाए हुए है, वहीं समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी संयुक्त रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दावे और झूठ बोलने में माहिर है। मुझे नहीं लगता है कि पंचायत चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी हो पाएगी। आने वाले समय में जिन प्रत्याशियों को समर्थन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का होगा, चाहे वो पंचायत जिला पंचायत का हो और चाहे ब्लॉकुनकी का चुनाव हो, उसमें भी आने वाले समय में जब बीडीसी जीतेंगे तो हम लोग तय करेंगे किन प्रत्याशियों को किस ब्लॉक में हम लोगों को लड़ाकर निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। ये भी हमारा मानना है, भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में मुंह की खाएगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।